अभीरा और रूही की मुंह दिखाई की रस्म। नई नवेली जोड़ियों ने खेला अंगूठी ढूंढने वाला खेल। जुड़ रहा है अभीरा और अरमान का किस्मत कनेक्शन। स्टॉपलेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी घर वाले सज धज कर तैयार हैं, क्योंकि चल रही है अभीरा और रूही की मुंह दिखाई की रस्म। और इस रस्म में देखिए कैसे दोनों बहुओं को घूंघट ओढ़ कर बिठा दिया गया है। भाई ये रस्म के बाद शुरू हो गई है एक और रस्म, जो कि है अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। और देखिए कैसे अरमान अभीरा और रूही रोहित इस खेल को खेल रहे हैं। वहीं आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं अरमान और रूही। तो चलिए देखते हैं इस अंगूठी ढूंढने वाली रस्म में आखिर जीत किसकी हुई, क्योंकि अरमान और अभीरा तो बेमन से सारी रस्में कर रहे हैं। मैं तो उसको जिम्मेदारी मान के घर पे लाया हूँ। ये जो रस्में हो रही हैं ये मजबूरी में करनी पड़ रही हैं, दादी को खुश करने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, रूही बोल रहा हूँ, अभीरा मेरे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो वो रस्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के हाथ को छूना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट है, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है। जबकि रूही जो है वो इंस्टेंट निकाल लेती है, तो निकाल के दिखा देती। तो अभीरा और मेरा थोड़ा सा वो थोड़ा टेंशन चलता है, जो कि देखने को मिलेगा। भाई रूही अभीरा से जलती जरूर है, लेकिन उसे सच का पता चल गया है, इसीलिए अरमान के कहने पर वो रूही से दोस्ती करना चाहती है। तभी तो वो ले आई है अभीरा को इस रस्म के लिए। बहुत मुश्किल से बैलेंस कर रहा हूँ। अभीरा को कोई भी मैं काम बात घर के लिए चीज़ करने को बोलता हूँ तो वो करती नहीं है, जैसी उसकी शुरू से आदत है वो मना कर देती है। तो मुंह दिखाई की रस्म हो रही है तो मुंह दिखाई पे आने के लिए भी वो राज़ी नहीं होती। मैं उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, उसको मना रहा हूँ, उसके लिए कपड़े लेके आया हूँ, मेरी माँ ने कपड़े दिए लेकिन वो नहीं पहन रही। तो मेरे कहने पे तो वो नहीं आती, लेकिन रूही उसको समझाती है तो वो रूही के साथ मुंह दिखाई के लिए आ जाती है। अब नीचे आके कुछ नंबर ऑफ़ ड्रामाज होते हैं, जो कि आप सबको पता ही अभीरा की आदत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा करना, उल्टा बोलना, उल्टे जवाब देना, तो वही सब चल रहा है। उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके सामने रूही को खूबसूरत बोल दिया जाता है कि रूही उससे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो चिड़के कुछ बोलने लगती है, तो मैं उसको ड्रैग करके लाता हूँ बना के, तो थोड़ा समझा रहा हूँ इधर, तो बस यही सब चल रहा है। सो ऑब्वियसली ये शादी करके आया है, बट कहीं ना कहीं आई है, बट कहीं ना कहीं वी बोथ लव इच अदर एंड वी कांट सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, बट देन मुझे पता चलता है कि वो उसकी ज़िम्मेदारी है, इसलिए उसने शादी की है। सो मैं कहीं ना कहीं मान जाती हूँ कि ठीक है, उसने ज़िम्मेदारी के लिए शादी की है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती हूँ कि ठीक है, मैं अभीरा को मना के लेकर आऊँगी, बिकॉज ही आस्क्ड मी टू यू नो आप उससे फ्रेंडशिप कर लो। बट कहीं ना कहीं मुझे जलन तो होती ही रहती है जब भी वो अभीरा के पास जाता है, या फिर मैं कभी भी जब भी उसको अभीरा के साथ देखती हूँ। लेकिन इस रस्म में भी शुरू हो जाता है तमाशा, जिसके बाद अरमान पहुँचता है अभीरा को मनाने के लिए। और देखिए कैसे ये दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे में खो रहे हैं। मुझे नहीं बोलो।
दो, नालायक बोल दो, भुलक्कड़ बोल दो, ऑकवर्ड बोल दो, या फिर एक काम करो, दादी सा, फूफा सा, जितने भी सारे सा है ना, सारे साओं से जाके एक बार डिस्कस कर, क्रिएटिव वे से किताब लिख सकते, किताब तो वैसे अभीरा के लिए इस घर में एडजस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। तभी तो देखिए, जब वो दुखी होती है या किसी प्रॉब्लम में होती है तो सामने खाना दिखते ही उस पर टूट पड़ती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ जहां अभीरा आंसू बहा रही है तो उसी स्पीड से खा भी रही है। तो भाई अब देखना होगा कि अभीरा पोतदार परिवार में किस तरह से खुद को ढालेगी और कैसे अरमान संग उसका जुड़ेगा कनेक्शन। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।